दुखद हुआ ये जो कुछ पुलवामा अटैक हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर बंदा दिल से दुखी है, हर बंदा ये महसूस कर रहा है कि उनके घर का, उनके परिवार का सदस्य का लॉस हुआ है। हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं, गद्दारी से शहीद हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जितने जितने हमारे फौजी भाई हैं उनके उनके उनकी देखभाल, उनके जीवन पर ध्यान देना है कि उनके साथ में कहीं कोई गद्दारी ना हो। तो देश के उन गद्दारों को ढूंढना है जिन्होंने गद्दारी की, और जिन देश ने किया है मुझे लगता है कि उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। और जो पुलवामा में अटैक हुआ है मुझे लगता है कि शहीदों को बस यही कहना चाहता हूँ कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। जो 42 जवान शहीद हुए उनमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, वो हमारे फौजी थे और हमको बहुत तकलीफ हुई उस बात की। तो मुझे लगता है कि गद्दारों को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, किसी भी क्षेत्र में, इंडिया में, न केवल बॉलीवुड में, न किसी भी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तानियों की एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको बहुत बार समझाया, हर तरह से समझाया, प्यार से समझाया, गले मिलकर समझाया, फूल देकर समझाया, समझौता एक्सप्रेस चला के समझाया, बहुत सारी चीज़, लेकिन समझने को तैयार नहीं। तो हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो उन्हीं को थी काम की, ज़रूरत तो उन्हीं को उनके देश में बेचारी आम जनता, अगर मैं आम जनता की बात करूं तो बेचारी पाक की जनता भी बहुत परेशान है इन लोगों से, इनकी सियासत से बहुत परेशान है। आतंकवाद कर रहे हैं ना वो, तो उनके देश के भी नहीं है, पाकिस्तान के भी, मतलब पाकिस्तान में रहकर भी वो पाकिस्तानी को भी भला नहीं चाह रहे हैं, पाकिस्तानी उनसे भी दुखी है। तो मुझे लगता है कि हमने हर तरह से समझाया, अब इनके साथ में किसी भी तरह कोई रिश्ता रखना मुझे लगता है कि अब आगे चल के समझदारी का कदम नहीं होगा।